बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के माज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इमरान अब्बासी। रावलाकोट में लिबरेशन फ्रंट रहनुमा का बेटा बेदर्दी से कत्ल। इस खबर की तफसीलात शुरू करने से कबल अपने नए आने वाले नाज़रीन को बता चलूँ कि खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी नए आने वाली खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। JKLF के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक के अस्करी उस्ताद जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मरकजी वाइस चेयरमैन कमांडर फारूक का जुआ साला बेटा कत्ल। कातिल फरार इलाके में सोख की कैफियत। कमांडर फारूक के जुआ साला बेटे नासिर फारूक को गुज़श्ता शाम उसके करीबी रिश्तेदार हुमायूं लतीफ़ ने मंग बाजार में पे दर पे फायर करके शदीद ज़ख्मी कर दिया और मौका से फरार हो गया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही दम तोड़ गया। वजह तनाज़ा एक रिश्ता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कातिल की तलाश शुरू कर दी, जबकि अहानत में हुमायूं लतीफ़ के भाई शरियात लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। कमांडर फारूक का एक और जवान साला बेटा कुछ साल कबल गोली लगने से जांबाक हो गया था, जिसके बारे में कुछ हलकों का कहना है कि वो भी कत्ल हुआ, जबकि एक राय यह भी है कि वह अपनी ही गोली लगने पर मौत की वादी जा पहुँचा। नासिर फारूक की नमाज जनाजा मंग में अदा की गई, जिसमें आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से मुख्तलिफ मकामात से लोगों ने शिरकत की। बाद अज़ां आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। JKLF के मुख्तलिफ दड़ों के कायदीन अब्दुल हमीद भट्ट, मोहम्मद सगीर खान, अब्दुल रऊफ कश्मीरी, रफीक डार, सलीम हारून, अब्दुल हमीद खान, अनवर इकबाल एडवोकेट, अरबाब खान एडवोकेट, नेशनल अवामी पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर लियाकत हयात, नेशनल अवामी पार्टी यूथ के आर्गनाइजर तौसीफ खालिक, NSF की आर्गनाइजिंग कमेटी की चेयरमैन रिजवान लतीफ़, JK NSF के साबिक सदूर तला खान, कामरान बेग एडवोकेट, JK LSF के चेयरमैन एहसन इसाक, JK SLF के मरकजी कायद उबैदुर रहमान की तरफ से इस वहशियाना कत्ल पर कमांडर फारूक और सोगवारन ख़ानदान से इजाज़त ताज़ीद करते हुए इंतजामिया से कातिल की गिरफ्तारी और अदलिया से कातिल को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। अल्लाह पाक कमांडर फारूक साहब को सब्र जमील अदा करे और महरूम की मगफरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।